दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों आज है 20 मार्च, एक बार फिर से हम आपके लिए 7 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 विभागों के अंतर्गत बंपर भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी भारतीय सेना में बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर मंडी परिषद के अंतर्गत भी मंडी निरीक्षक और यहाँ पर उप निरीक्षक की बड़ी भर्ती की अपडेट आ चुकी है। और साथ साथ यहाँ पर टैक्स इंस्पेक्टर की भी भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन अन्य विभागों के अंतर्गत ये भर्तियां निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों कंप्लीट जानकारी के लिए हम आपको अपनी वेबसाइट indsarkarinaukri.in पर लेकर चलते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं आज की 7 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडियन आर्मी में भारतीय सेना के अंतर्गत भर्ती निकली है। पोस्ट है सोल्जर जीडी जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट या नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन और आर्म्स से 10th पास और 8th पास के लिए यहाँ पर पोस्ट निकली है। बम्पर वैकेंसीज निकली है, सेल या पोस्ट वाइज नोटिस से चेक कर सकते हो। 8वीं 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 17.5 से 21 और 23 वर्ष है। इस भर्ती के लिए आपको कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पे। ऑनलाइन तरीके से आप आवेदन कर सकते हो। यूपी उत्तर प्रदेश जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। joinindianarmy.nic.in इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 13 मार्च 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 26 अप्रैल 2021 है। एडमिट कार्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल पर सेंड किया जाएगा 27 अप्रैल 2021 से। रिक्रूटमेंट रैली की डेट 12 से 31 मई 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मंडी परिषद में। जी हाँ दोस्तों, मंडी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर यानी के मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक की यहाँ पर पोस्ट निकली है। 168 वैकेंसीज निकली है। मंडी इंस्पेक्टर के लिए 28,700 से 91,300 लेवल 7 के अंतर्गत सैलरी प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 25,300 से 25,500 लेवल 6 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल कैटेगरी के लिए ₹350 आवेदन शुल्क है। ओबीसी के लिए 250, एससी एसटी पीएच के लिए 200। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा रिटर्न एग्जाम के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। छत्तीसगढ़ जॉब लोकेशन है। ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। cgvyapan.choice.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 18 मार्च 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 4 अप्रैल 2021 है। फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 4 अप्रैल 2021 है। ऑनलाइन फॉर्म में करेक्शन की डेट 5 से 9 अप्रैल 2021 है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो 19 अप्रैल 2021 से। एग्जाम डेट है 29 अप्रैल 2021। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकले फाइनेंस डिपार्टमेंट में वित्त विभाग के अंतर्गत स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर। जी हाँ दोस्तों, राज्य कर निरीक्षक की भर्ती निकली है। टोटल 243 वैकेंसीज है। जनरल कैटेगरी के लिए 101, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, एससीबीसी के लिए 65, एससी के लिए 17, एसटी के लिए 36 पद यहाँ पर खाली है। सैलरी 39,600 से 126,600 लेवल 7 के अंतर्गत प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेजुएट डिग्री से आप आवेदन कर सकते हो। 20 से 35 वर्ष आयु सीमा है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ₹100 आवेदन शुल्क है। एससी एसटी को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ऑनलाइन या फिर ई चालान से ऑफलाइन। सिलेक्शन होगा प्रीलिम्स रिटर्न टेस्ट, मेन रिटर्न एग्जाम के आधार पे। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
गुजरात जॉब लोकेशन है gpsc.gujarat.gov.in या फिर gpsc-ojs.gujarat.gov.in इसके ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 16 मार्च 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 31 मार्च 2021 है। प्राइमरी रिटर्न टेस्ट जो प्री एग्जाम होगा उसकी 25 जुलाई 2021 डेट है। प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट डेट सितंबर 2021 है। मेन रिटर्न एग्जाम की डेट 12 से 19 दिसंबर 2021 है। मेन रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होगा फरवरी 2022 में। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में, बिजली विभाग के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर, लॉ ऑफिसर, पर्सनल ऑफिसर, सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर की 105 वैकेंसीज निकली है। सैलरी असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंट्स ऑफिसर, लॉ ऑफिसर और पर्सनल ऑफिसर के लिए 56,100 से 1,77,500 है लेवल 10 के अंतर्गत। सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर के लिए 67,700 से 206,700 है लेवल 11 के अंतर्गत। योग्यता की बात की जाए तो डिग्री इंजीनियरिंग, सीए, एमबीए, लॉ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 42 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी एसटी जो उत्तराखंड स्टेट के हैं उनके लिए 400 रुपये है। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। upcl.org पोर्टल से ऑनलाइन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट हो चुके हैं 17 मार्च 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 16 अप्रैल 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 16 अप्रैल 2021 है। ऑनलाइन फॉर्म की आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करनी होगी, जिसकी लास्ट डेट 26 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन में, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के अंतर्गत ये भर्ती है। पोस्ट है मैनेजमेंट ट्रेनी एमटी की। 35 वैकेंसीज निकली है। 40,000 से 1,40,000 सैलरी पर मंथ के लिए है। इंजीनियरिंग डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 29 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। पेमेंट आप कर सकते हो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा गेट 2020 स्कोर और पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आप ऑनलाइन कर सकते हो। nbccindia.com पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, जो कि स्टार्ट होंगे 22 मार्च 2021 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 21 अप्रैल 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 21 अप्रैल 2021 है। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, शिक्षा विभाग के अंतर्गत। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की पोस्ट निकली है। 534 वैकेंसीज है। सैलरी 47,600 से 1,51,100 प्रति माह के लिए प्रोवाइड की जाएगी। 10-12 डिग्री सर्टिफिकेट एचटीटी और एसटीटी से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 42 वर्ष आयु सीमा है। जनरल मेल फीमेल के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क है। फीमेल हरियाणा के लिए 125, मेल एससी बीसीडब्ल्यूएस हरियाणा के लिए 125, फीमेल एससी बीसीडब्ल्यूएस हरियाणा के लिए 75 रुपये है। पीडब्ल्यूडी ईएक्स एक्समैन हरियाणा को कोई भी शुल्क जमा नहीं करना होगा। सिलेक्शन होगा रिटर्न टेस्ट, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। हरियाणा जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। hssc.gov.in की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इस भर्ती की लास्ट डेट एक्सटेंडेड कर दी गई है, जो पहले 3 मार्च थी उसके बाद उसको एक्सटेंडेड किया गया, 18 मार्च किया गया, एक बार फिर से इसको एक्सटेंडेड कर दिया गया है। अब आप इस भर्ती के लिए 2 अप्रैल 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। फीस पेमेंट की भी लास्ट डेट अब 5 अप्रैल 2021 कर दी गई है। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट और 7 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पब्लिक सर्विस कमीशन में, लोक सेवा आयोग पीएससी के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट है रिव्यू ऑफिसर आरओ समीक्षा अधिकारी और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी की। 19 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। सैलरी 9,300 से 34,800 है। बीकॉम अकाउंटेंसी से आप अप्लाई कर सकते हो। 21 से 42 वर्ष आयु सीमा है। यूआर ओबीसी के लिए 226.55, एससी एसटी के लिए 106.55 और ईडब्ल्यूएस के लिए 176.55, पीएच के लिए 26.55 रुपये आवेदन शुल्क है। पेमेंट आप कर सकते हो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन। सिलेक्शन होगा प्री रिटर्न एग्जाम, मेन रिटर्न एग्जाम के आधार पर। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उत्तराखंड जॉब लोकेशन है, upsc.gov.in ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो।
लास्ट डेट ऑनलाइन अप्लाई करने की 25 मार्च 2021 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 25 मार्च 2021 है। प्री एग्जाम डेट 23 मई 2021 है। तो दोस्तों ये थी आज के यानी कि 20 मार्च 2021 की टॉप 7 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको भिन्न भर्तियों के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन की PDF सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड किए गए हैं। आवेदन करने के लिए भी यहीं पर आपको लिंक दिए गए हैं। आप किसी भी भर्ती के लिए डायरेक्टली यहीं से आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।